हर एक गेमर की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक तगड़ा गेमिंग लैपटॉप हो, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग हो पाए और एकदम तगड़े लेवल की गेमिंग भी होनी चाहिए। तो यार आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हमारा फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप, और देखो कितने तगड़ी पैकेजिंग के साथ आया है। इसको खोलते फटाफट से। पर देखो ये एक्चुअल पैकेजिंग नहीं है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। देखो सबसे पहले तो एक पावर एडाप्टर मिलता है, इसे हाथ में उठाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई ईंट हाथ में पकड़ रखी हो। भाई इतना हेवी एडाप्टर दिया इन्होंने, कितने वॉट का है, एकदम सॉलिड बिल दे रखी है। और 230 वॉट का एडाप्टर है गाइस, जो आपके लैपटॉप के बैटरी को 2.5 आवर में फुल चार्ज कर देगा। और जब आप लैपटॉप और इस एडाप्टर को कैरी करोगे अपने बैग में, भाई आपकी हालत खराब हो जाने वाले, बहुत ज्यादा हेवी है गाइस दोनों। इसके साथ हमें एक मिलता है पावर कॉर्ड, जिसके थ्रू आप एडाप्टर को बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से ये जो पोर्ट है यहाँ पे कनेक्ट होगा, और दूसरे साइड से आप बोर्ड में कनेक्शन दे सकते हो। तो चलो गाइस ये तो हो गए एडाप्टर्स की बात, अब बात करते हैं गाइस यूजर मैनुअल्स और डॉक्यूमेंटेशंस की, जिसको कोई पढ़ता नहीं बट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ये ऊपर के दो तो गाइस इस केस के जिसके अंदर मैं लैपटॉप लेके आयो, ये लैपटॉप का वारंटी कार्ड होगा और ये लैपटॉप के यूजर मैनुअल्स है, जिसको शायद ही कोई पढ़ता होगा और हम भी नहीं पढ़ने वाले। इसको साइड में रखते हैं और बाहर निकालते हैं हमारे गेमिंग मॉन्स्टर को। अब ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है वो आपको गेमिंग टेस्ट में पता चलेगा। हाँ गाइस डोंट कंफ्यूज यार, ये पैकेजिंग लिनोवो की नहीं है यार, जहां से मैं लेके आया हूँ ना लॉन्ग डिस्टेंस था, तो सेफ्टी के लिए गाइस मैंने ये पैकेजिंग करके लेके आया हूँ। अब यार गाइस इस केस से जब मैं लैपटॉप निकालता हूँ ना थोड़ी दिक्कत होती है यार, इसको एकदम सही एंगल के साथ निकालना पड़ता है, वरना निकलता ही नहीं गाइस, और फोर्सफुली निकालोगे तो लैपटॉप डैमेज हो सकता है, तो ये मुझे ध्यान देना है इसमें। तो इस बैग को थोड़ा साइड में रखते हैं और लैपटॉप को ओपन करते हैं, और लुक में भाई कितना सही लगता है यार, एकदम लीजन की याद दिला देता है। ऊपर आपको लिनोवो की ब्रांडिंग मिलती है, पीछे आपको पोर्ट्स दिए गए, और राइट साइड में एक यूएसबी का पोर्ट है, लेफ्ट साइड में एक यूएसबी है विथ 3.5 mm जैक है, मतलब गेमिंग में आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, सभी पोर्ट इसमें है। तो चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाइस एकदम तगड़ा यार, एक हैंड से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। और गाइस आप कोई भी लैपटॉप ओपन कर रहे हो ना, उसको हमेशा सेंटर से ही ओपन करना गाइस, क्योंकि यार वो डिस्प्ले पे थोड़ा डैमेज होता है अगर आप कॉर्नर से ओपन करते हो। मोस्टली बहुत सारे लोगों को कॉर्नर से ओपन करने की आदत होती है ना, इसलिए देखो आप जैसे ही लैपटॉप को ओपन कर दोगे ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो हमें इस लैपटॉप में देखने मिलता है इंटेल का i7 12 जेन का प्रोसेसर 12700H। तो इस प्रोसेसर में आपको टोटल 14 कोर्स मिलते हैं और 20 थ्रेड्स मिलते हैं। और डिस्प्ले की बात करें तो हमें 16 इंच का फुल HD IPS पैनल मिलता है गाइस विद 2K रिजोल्यूशन के साथ 100% sRGB। और इस डिस्प्ले के ऊपर आप कलर एक्यूरेसी वाले पूरे काम कर सकते हो गाइस। 16GB रैम मिलती है विद 165Hz रिफ्रेश रेट, मतलब गेमिंग ऐसी मक्खन की तरह होगी गाइस, कहीं भी आपको लैग तो देखने नहीं मिलने वाला। तो सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलता है विद MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 मिलता है आपको। और वेबकैम की बात करें तो 1080p का एक बेसिक वेबकैम मिलता है विद प्राइवेट शटर। और इस लैपटॉप में मक स्विच नहीं मिलता यार, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और इसमें कीबोर्ड जो है आपको फुल साइज का मिलता है, और इसमें जो बैकलिट है वो व्हाइट कलर की बैकलिट मिलती है आपको, फंक्शन प्लस स्पेस बार से इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड की बात करें तो मिलिट्री ग्रेड स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, और हिंजेस की क्वालिटी भी अच्छी है गाइस, आपको वॉबल बिल्कुल देखने नहीं मिलता इसमें। और इस लैपटॉप का वेट आपको मिलता है 2.6 kg, तो आपको कैरी करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट गेमिंग लैपटॉप है इतना वेट तो होता ही है। तो अब इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें तो सभी इसके बैक साइड में दे रखे हैं। तो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट पोर्ट है वो पावर पोर्ट है, जिसमें आप पावर केबल कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड पोर्ट आपको देखने मिलता है सी टाइप का, जो थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करता है गाइस, जिससे आप जो है ना डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, साथ में आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो अगर आपके पास 100 वॉट का चार्जर है तो। और सी टाइप का जो आउटपुट है वो आपको सीधा IGPU से मिलता है, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो है इसका RTX 3060, उससे आउटपुट मिलेगा आपको। और दूसरा पोर्ट है आपका लैन पोर्ट और फिर HDMI पोर्ट, HDMI से भी आप डिस्प्ले शेयर कर सकते हो, और HDMI का भी आउटपुट आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड से ही मिलेगा। अब ट्रैक पैड की बात करें तो साइज गाइस एकदम डिसेंट है, मतलब बड़ी साइज है गाइस एक्चुअली, और मल्टीपल जेस्चर को भी ये सपोर्ट करता है, बट गेमिंग के लिए तो आप एक्स्ट्रा माउस ही यूज करोगे यार, तो इसका कोई इतना इस्तेमाल तो होता नहीं यार। ये तो सब बड़ी बड़ी बात है यार, बट असली टेस्ट तो अपने को गेमिंग में पता चलने वाला है। तो आप करने वाले गाइस गेमिंग टेस्ट, अब देखो गाइस एक ही गेम टेस्ट करने वाले हैं, बट साला वो GPU की पूरी जान निकाल लेगा। तो हम टेस्ट करने वाले गाइस रेसिडेंट इवल 4 को, वो भी अल्ट्रा सेटिंग के साथ। तो ये RTX 3060 क्या परफॉर्मेंस देगा, चलिए देखते हैं। और ये गेम गाइस विदाउट माउस टेस्ट होने वाले, क्योंकि माउस नहीं है यार।
तो अभी ट्रैक पैड से ही जुगाड़ चल रहा है गाइस, बट देखो अभी कितना स्मूथ गेम प्ले चलने वाला है। अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या क्या है। देखो सब गेम प्ले 2K पे टेस्ट करने वाला है और सभी सेटिंग्स मैंने हाई पे रखी है। और गेम मोड को भी गाइस ऐसे परफॉर्मेंस वगैरह कुछ मैंने पर्टिकुलर सेट नहीं किया, जो डिफॉल्ट है डायरेक्टली गेम ओपन कर दिया है। अभी पता नहीं इसके अंदर किस तरह से सब चीज़ें होने वाली है, बट देखते यार। वैसे तो गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है, 16GB रैम मिलती है गाइस, तो यार इतना तो परफॉर्मेंस वो देगा ही। तुम लोग का इस गेम प्ले एंजॉय करो। और ये लियोन एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढने आया है गाइस, और ये पता नहीं यार किसी अननोन आदमी के घर में आया है उसको। हाँ भाई, इसको कैसे पता रहेगा भाई वो पुलिस ऑफिसर। कोई पुलिस का ही बंदा लग रहा है, बट नाम यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा यार। शायद वही है यार जिसको लियोन। अबे पीछे देख, अबे लियोन कितो, अबे हद साल है, इंस्पेक्टर लग रहा था, देख मुझे भाई मर गया क्या साला। भूत नहीं का कहीं काटा तो नहीं ने इसने, साला इन्फेक्टेड कर देगा भाई हमको भी। और ओ शिट, आवाज़ है गाइस यार, उसका मतलब यहाँ पे एक नहीं है। यहाँ पे कौन सी की पड़ी है यार, ये हंटर लॉज की, ये पता नहीं किस डोर की है। और ये बना क्या रहा था गाइस, सबसे पहले ये चेक करो यार, ये जब से देख रहा हूँ इसी के अंदर घुसा पड़ा था भाई। यार ये क्या देख लिया भाई, अगले 2 दिन तक खाना नहीं जाएगा भाई इसको देख के। चलो यार देखते हैं की मिली है यार, इस डोर को लगेगी शायद वो। इस डोर को ओपन करके देखते यार। अब गाइस इस डोर की की है, इसका मतलब इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है यार। और गाइस गेम प्ले विदाउट कूलिंग पैड चल रहा है, क्योंकि वैसे भी गाइस ठंडा ठंडा माहौल है यार बाहर, कोई तो दिक्कत है नहीं। और सिंपल फैन की एयर है और एसी वगैरह कुछ नहीं है, तो यार गेम प्ले भी स्टिल स्मूथ है। लैपटॉप थोड़ा हीट हो रहा है, बट उसके एग्जॉस्ट बहुत बढ़िया है, थर्मल्स काफ़ी अच्छे है। यार गेम प्ले पे फोकस करो। ये किसकी लाश है यार, ओ भाई दिक्कत हो गई यार, यही है शायद वो पुलिस। अरे भाई बताने की जरूरत है क्या, इससे पता चलता है सिचुएशन क्या हो सकती है। यार इस घर से निकलो भाई तुरंत, पता नहीं यार कौन सा ज़ॉम्बी कहाँ से प्रकट हो जाए। अबे यार इसका नाम ये है, ये सलाह क्या, अबे अबे गोली क्यों नहीं चल रही, शेट शेट, अबे निकल यार, ये गोली क्यों नहीं चल रही यार, ये क्या दिक्कत हो रही है गाइस। ये ट्रैक पर पता नहीं यार, ये ट्रैक पर हम एम लेके शूट नहीं कर सकते ट्रैक पर से। भाई इसने फिर से पकड़ लिया, अब इस साले निकल, मुझे इसको नाइफ से मारना पड़ेगा। ओ भाई चलो गाइस, बहुत दिक्कत है यार विदाउट माउस खेलना, मेरे पास हेल्थ है ना यार, इसको फटाफट लगा लो भाई, बहुत दिक्कत होने वाली है। साला पूरा मार देता भाई ये मेरे को। चलो ठीक है, चलते गाइस यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई, अभी देखते हैं आगे कौन सा खतरा है। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और इसके अंदर क्या है, कुछ हेल्थ का सामान मिल जाए। चलो ग्रीन हब मिल गया गाइस। वैसे भी यार गोली चल नहीं रही है भाई, ये हेल्थ बढ़ा के हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। ये रूम किसका है, कोई तो नहीं है इस रूम में। बंद कर भाई पहले दरवाज़ा बंद कर, अब क्या कर सकते यार, जिसको ढूंढने आए थे गाइस वो तो मर चुका है। और ये क्या सीन है, लियोन को एक टास्क मिला है प्रेसिडेंट के बेटी को रेस्क्यू करने का, और ये उसी का फोटो है यार ये। Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... ये कौन आ गया? शुट, शुट गाइस, इनके पास तो हथियार भी है यार। टॉक लेटर। ओ भाई यार गाइस ये ज़ॉम्बी कुछ अलग टाइप के ज़ॉम्बीज है यार। लेट माय सेल्फ आउट। शुट शुट शुट, बात आप अब दिख रहा। चलो यार वहाँ से तो निकल चुका हूँ। यार अब थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई है। एक्चुअली लियोन को ये लोकेशन मिला था गाइस क्योंकि एक प्रेसिडेंट की बेटी है। स्टोरी की बात गाइस हम गेम प्ले में करेंगे, बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यार गेमिंग टेस्ट एकदम बढ़िया रहा गाइस, कहीं भी कुछ भी लैग देखने नहीं मिला है। इसका मतलब i7 12th gen सुपर परफॉर्म कर रहा है गाइस। इस लैपटॉप के थर्मल्स भी काफ़ी बढ़िया है गाइस, कहीं भी फ्रेम ड्रॉप का मुझे इशू नहीं लगा है। और हीट तो हुआ है, बट हीट भी उतनी डिसिपेट हो रही है गाइस, क्योंकि बाहर एकदम ठंडा क्लाइमेट हो रखा है, बारिश वारी हो रही है। और विदाउट एसी टेस्ट हुआ है गाइस,
इसका मतलब नॉर्मल हिट तो होता ही है, बट फ्रेम ड्रॉप का कोई इशू नहीं लगा मुझे, मतलब बाकी सब एकदम बढ़िया होने वाला है। आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं गाइस, आपको पता है ऐसे उनके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते यार। अब गाइस सजेस्ट करना कि मुझे कौन सा गेम फर्स्ट टाइम परचेज करना चाहिए, परचेज गेम नहीं है, ठीक है, कमेंट करना कौन सा गेम परचेस करना है जिसके हम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हैं गाइस। तो यार यही थी आज की वीडियो गाइस, वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना यार, और गाइस अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली इस चैनल पे, तो मेक श्योर गाइस चैनल से जरूर कनेक्ट रहिए। तो मिलते हैं गाइस एक नए गेम प्ले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।